तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। 18 तारीख यानी 18 फरवरी के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर निजामपुर अभिमंडी वाला मामला, जो कि केस नंबर 2008/2019 था, उस मामले में आर्ग्यूमेंट थी और यहाँ तक कि डिसीजन तक आने की का अंदेशा जताया गया था। और जिस तरीके से कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिछली बार ये डायरेक्शंस दिए थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को कि आपको 15 दिन में, 20 दिन के अंदर, यानी 3 हफ्ते के अंदर आपको ये काम करना है और अगली बार आपको कोर्ट में हाजिर भी रहना है, लेकिन उस कोई भी अधिकारी अवेलेबल नहीं रहे, इस वजह से इस मामले में जो आर्ग्यूमेंट है वो अपने आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच सका। और ये डेट बढ़कर अगली जो डेट है वो 11 मार्च की मिली है। तो 11 मार्च को इस मामले पे सुनवाई होगी और इसमें यह भी बताया गया है कि जो अधिकारी थे उनको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का नोटिस भी दिया गया है। यानी कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको रहना ही रहना है, ऐसे समय गैर हाजिर होने से उनके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है अगर वो सही कारण नहीं बता पाते हैं कि गैर हाजिर होने का कारण क्या था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना, अच्छा दूसरी बात यह है कि भिवंडीपुरा निजामपुरा वाले मामले का जजमेंट से जो है जितने भी सेशन कोर्ट के मामले हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, सबकी नज़रें बॉम्बे हाई कोर्ट पे गड़ी हुई थी। यानी जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा इस मामले में, तो महाराष्ट्र की जितनी सेशन कोर्ट्स है उनके तमाम के जजमेंट बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएंगे और तुरंत जजमेंट आ भी जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी बात चल रही है उसको चलने दीजिए। इस समय जितने भी 172,000 लोग हैं और जो भी निवेशक हैं और खुद आपा और हम सभी लोगों की नज़रें इस समय दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छे जजमेंट की उम्मीद है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आदरणीय जज महोदया श्री देवी जी ने दिए थे, उसी जजमेंट को, तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जज महोदय के सामने बात रखी गई है कि इसी जजमेंट को पूरे इंडिया में लागू किया जाए और पूरे के पूरे मामले को SFIO में दिया जाना चाहिए और केस क्लब होना चाहिए। क्योंकि देखिए, 172,000 लोगों की कंपनी है, तो ऐसे में नेशनल लेवल का जो रिजल्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकता है। हर स्टेट में, हर जिले का, हर स्टेट का, अक्सर हर स्टेट के कानून थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट सुनाता है तो पूरे भारतवर्ष के ऊपर लागू होता है। और चूँकि हीरा गोल्ड कंपनी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, अटक से लेकर कटक तक कंपनी फैली हुई थी भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के बाहर पूरी दुनिया में कंपनी ने झंडा गाड़ा था और 15 साल से ज़्यादा का सक्सेसफुल काम करने का इतिहास दर्ज किया है हीरा गोल्ड कंपनी ने। और आपा का लोहा मानना पड़ेगा, जिस तरीके से एक लेडी होकर के, आयरन लेडी मैंने नाम दिया है उनका, उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा। देखिए, जो पूंजी पूंजी चिल्लाने वाले लोग हैं इनको तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने अच्छी तरीके से जवाब दे दिया है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। SFIO का मामला, केस क्लबिंग का मामला किसी कंपनी का ही जाता है और कंपनीज एक्ट 2013 में पूरा डिसीजन आया तेलंगाना हाई कोर्ट का। ये लोग घुमा फिरा कर जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर समझाते रहते हैं अलग अलग एंगल से, तो फितनेबाजी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, देखिए, जो 28 फरवरी की डेट थी, जो अब कंप्यूटराइज डेट, जो ऑटो जनरेटेड डेट होती है, 6 मार्च की आ गई है, वो डेट पहले की भी हो सकती है, उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसकी मैनुअल डेट बहुत जल्दी पता चल जाएगी, 20 तारीख के बाद कभी भी, वरना वो डेट तो कन्फर्म ही है, लेकिन उसके पहले की डेट की भी पूरी कोशिश चल रही है। और जैसे ही डेट आती है आप दुआ करिए, ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ करिए,
मैं भी कर रहा हूँ कि जल्दी इसकी डेट आए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही तमाम जो लोग दुनिया भर का फितना फैला रहे हैं सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही जजमेंट होगा। और आपा जो उनके ऊपर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि फला सेशन कोर्ट ने ये कहा, वो हाई कोर्ट ने वो कहा, तो आपा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तुरंत मानेंगी और कंपनी को, कंपनी के सारे निवेशकों को, जो लोग इतने दिन से उम्मीद से बैठे हुए हैं, सबके साथ इंसाफ मिलेगा। आपा की ऐसी सोच है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा आपा उसको तुरंत एक्सेप्ट करके तुरंत उस पर एक्शन लेंगी, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार कर रही हैं। तमाम अलग अलग सेशन कोर्ट, तमाम अलग अलग स्टेट से ज़्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट होता है, और चूंकि तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट कंपनी के पक्ष में है तो आने वाले समय में आपको इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत अच्छी खुशखबरी, राहत की खबर मिलेगी। रमज़ान नज़दीक आ रहा है और अगर ये जजमेंट फरवरी लास्ट तक या मार्च में आ जाता है तो इंशाल्लाह आपका त्यौहार भी काफ़ी अच्छा जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसी दुआ हम कर रहे हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।